राधे राधे, आज मैं कान्हा जी के लिए एक ये सनफ्लावर स्टाइल में एक सुंदर सी ड्रेस बना कर लाई हूँ। ये आप कितने भी बड़े और कितने भी छोटे कान्हा जी के लिए बना सकते हो। ये मैंने 4 नंबर की कान्हा जी के लिए बनाई है और ये बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। चलिए अब इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमें स्टोन चाहिए, ऐसे पत्ती वाले स्टोन चाहिए, ये देखिए इस तरह के। और हमें इस तरह का कपड़ा चाहिए, ये स्कूबा होता है। इसको हम जैसे भी काटेंगे तो इसके धागे नहीं निकलते हैं, ये बिल्कुल ऐसा होता है, ये देखिए। और इस वाले कपड़े से हम इस तरह की पत्तियां बनाएंगे और इन पत्तियों से हम फ्लावर स्टाइल एक कान्हा जी की बहुत सुंदर सी ड्रेस बनाएंगे। ये पत्ती काटने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। देखो, ऐसे आप एक पेपर लेंगे इस तरह और इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ऐसे फोल्ड करने के बाद आप इसमें अपनी पसंद से ऐसे पत्ती ड्रॉ करेंगे। इस तरह अब हम इस पत्ती को काट लेंगे। इस तरह देखो, इस तरह पत्ती काटने के बाद जो हमारी ये बीच में ये हमने फोल्ड किया है, यहाँ से हम इसमें ऐसे थोड़ा सा कट लगाएंगे ऐसे, और यहाँ पे ग्लू लगा के हम इस पत्ती को ऐसे फोल्ड कर देंगे इस तरह। अब जब हम अपने पेपर से इस वाली पत्ती को काट लेंगे तो हम ऐसे अपनी पत्ती के साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐसे निशान लगाएंगे। ये देखो, अपने कपड़े पे ऐसे पत्ती को रख के आपको निशान लगाना है ऐसे। देखिए, जैसे मैंने ये निशान लगा रखे हैं, फिर आधी पट्टी पे निशान लगाने के बाद हम अपनी पट्टी को ऐसे फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि हमारी दो दो पत्ती एक साथ कट जाएंगी इस तरह। और इस तरह निशान लगाने के बाद आप इसमें या तो जहां पर आपका निशान नहीं है वहां पर ऐसे करके कोई सुई लगा दीजिए इस तरह। और फिर जो हम पत्ती कटिंग करेंगे उनमें हम ऐसे एक एक पिन लगा लेंगे ऐसे इस तरह। और फिर हम अपनी दोनों पत्तियों को एक साथ ऐसे काटेंगे। देखो, आपकी जितनी कैंची अच्छी होगी उतनी ही ये पत्तियां आपकी अच्छी सफाई से कटेंगी ऐसे। अब हम अपने स्पिन को ऐसे निकाल लेंगे और ऐसे फोल्ड करके आप यहाँ पे पेन से ऐसे निशान लगा लीजिए बीच में ऐसे। और जितना बड़ा आपको ऐसे कट लगाना है तो ऐसे आप निशान लगाएंगे और कैंची से ऐसे कट लगा देंगे ऐसे। एक पत्ती में कट लगाने के बाद फिर आप जब अपनी दूसरी पत्ती काटेंगे, ये देखिए ऐसे, फिर हम इसमें ऐसे पिन लगाएंगे। देखो, ऐसे पिन लगाया, अब हम फिर इसको ऐसे काटेंगे। ऐसे देखो, फिर हम ये पिन निकाल देंगे। और अब हम ये ऐसे दोनों पत्तियों को लेके और जिस पत्ती में हमने ऐसे कट लगा लिया है इसको इसके ऊपर रख के और ऐसे कट लगा देंगे, ये देखिए ऐसे।
इस तरह हमारी हमें ये अपनी बहुत सारी पत्तियां तैयार करनी है बनाकर। देखिए एक बार मैं आपको नाप की भी बता देती हूँ, ये हमारी पत्ती 2 इंच से भी 1 पॉइंट ज्यादा है लंबी है, और ये देखिए इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है ऐसी। तो अगर आप इतनी बड़ी पत्ती बनाना चाहते हो तो आप इतनी बड़ी पत्ती बना सकते हो। ये हमारी ड्रेस सनफ्लावर स्टाइल में बनके तैयार हो जाएगी। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, जो हमने ये कट लगाया था यहाँ पे, ये देखिए जो ये कट लगा रखा है, यहाँ पर हम हल्का सा ऐसे ग्लू लगाएंगे ऐसे, और ऐसे ग्लू लगाने के बाद इसको इसके ऊपर ऐसे रखेंगे ऐसे, ये देखिए तो हमारी ये पत्ती ऐसे उभारदार बन जाएगी इस तरह। और यहां पर हम ऐसे ग्लू लगाकर ऐसे एक एक नग लगाएंगे, ये देखिए इस तरह। इस तरह हमें अपनी बहुत सारी पत्तियां तैयार करनी है। देखो अब हमें जितने भी बड़े कान्हा जी की ड्रेस बनानी है उस हिसाब से हमें ये सर्किल काटना है। ये सर्किल मैंने बुकरम से काटा है और ये उनके कमर के अकॉर्डिंग एक सर्किल बीच में से काटना है। अब हम अपनी पत्तियां जो है वे इस पे ये लगाने शुरू करेंगे। ये देखिए मैंने बहुत सारी पत्तियां बनाकर तैयार कर ली है। देखिए ये हमने बहुत सारी पत्तियां ऐसे बना के तैयार कर ली है। अब हम पहले अपनी बाहर वाली लाइन पे लगाएंगे। ये देखिए जहां से हमारे ये खुला है यहां से हम इसको लगाना शुरू करेंगे। ऐसे आप अपनी पत्तियों को ऐसे रखेंगे इस तरह, और इनको ऐसे पेस्ट कर देंगे। ऐसे हम थोड़ा गोलाई में ग्लू लगाएंगे और इनको ऐसे लगाएंगे। ये देखिए ऐसे, थोड़ा हम इनको इक्वल कर करके ऐसे लगाते रहेंगे। देखो इस तरह हमारी एक लाइन पूरी हो गई है। अब हम इसमें दूसरी लाइन लगाएंगे इसके बीच में ऐसे कि हमारी ये पत्तियां यहां पर आए इस तरह। एक यहां लगाएंगे एक यहां लगाएंगे ऐसे करके, और जो हम यहां पर पत्ती लगाएंगे ये वाली हम एक साइड से पेस्ट करेंगे। ये वाली पत्ती एक साइड से, या तो हम इधर से पेस्ट करेंगे और या इधर से, जिससे हमारी ड्रेस यहां पे आसानी से खुल जाए। ये देखो अब हम यहां पर बीच में से लगाना शुरू करेंगे ऐसे। ये देखिए ऐसे हमें अपनी दूसरी लाइन कंप्लीट करनी है। इसमें 2, 3, 4 जितनी भी लाइन लगेंगी हम उतनी लाइन लगाते चले जाएंगे। देखो इस तरह हमारी 2 लाइन लग के तैयार हो गई है। अब हम इसमें यहाँ पे तीसरी लाइन लगाएंगे। अब तीसरी लाइन को भी हम यहां से लगाना शुरू करेंगे ऐसे। ये देखिए ऐसे, देखो इस तरह हमने इसमें 3 लाइन लगा ली हैं। अब हम इसमें 4थी लाइन लगाते हैं। देखो अब हम यहाँ पे ऐसे ग्लू लगाएंगे और इसको ऐसे पेस्ट कर देंगे इस तरह। इस तरह हमें इसमें चारों तरफ पत्तियां लगानी है, फिर यहाँ पे ग्लू लगाकर इसको ऐसे पेस्ट करेंगे। ये देखिए
अब हमारा थोड़ा थोड़ा सा पत्ती कम होती चली जाएंगी, ये ऐसे आएगी। देखो अब हमारे पास इस तरह की ये ब्राउन लेयर्स रखी है, तो हम कान्हाजी की चोली और इसमें एक बीच में, जैसे सनफ्लावर में आपने देखा है बीच बीच होते हैं ब्राउन कलर के, वो हम इससे बनाएंगे लेस से। तो आपको इसमें कितने भी जितना भी बड़ा एक ऐसे सर्किल काटना है उतनी आप कटोरी गिलास कुछ भी ले लीजिए और उससे सर्किल लगा लीजिए। देखो मैं ये कटोरी लाई हूँ, मैंने इसको इसके ऊपर ऐसे रखा है और ये इससे ग्रीन मार्कर से ऐसे निशान लगाया है। ये मार्कर का निशान इस पर दिखाई दे रहा है, आपके पास अगर व्हाइट चौक है आप व्हाइट चौक से किसी भी चीज से जो चमक जाए उससे ऐसे निशान लगा सकते हैं। आप इसकी जगह किसी और चीज का भी यूज कर सकते हैं, ब्राउन रिबिन भी लगा सकते हैं, स्टोन भी लगा सकते हैं, जो भी आपके पास है। तो अब हम इसे कैंची से सर्किल काटेंगे। अब देखिए मैंने ये सर्किल बनाया है, अब ये सर्किल, अब हम हमारी ड्रेस तैयार हो गई है, अब हम यहाँ पर अच्छे से ग्लू लगाएंगे और इस सर्किल को ऐसे पूरा पेस्ट कर देंगे। देखिए ये सर्किल मैंने पूरा पेस्ट कर दिया है। देखो ऐसे हम इसमें, हमारी व्हाइट बुकरम चमक रही थी तो हमने एक पीस और लगा दिया है, और जैसे हमने पहले काटा था ये, ऐसे ही हम इसको एक बार फिर ऐसे सूखने के बाद पीछे से कट कर देंगे। इतने हम अपनी चोली तैयार कर लेते हैं। चोली के लिए हमने ये गोल्डन रिबिन लिया है, इससे ये हमारे कान्हा जी को चुभेगा भी नहीं। तो ये हम इसमें ऐसे 9 इंच की एक पट्टी काट लेंगे ऐसे। अब हम इसके 2 पीस करेंगे। अब हम इसके ऊपर ये वाली हमने लेस की 2 पट्टियां काटी हैं और इसके ऊपर लगा लेंगे ऐसे। हम किनारे किनारे पर ग्लू लगाएंगे। और इनको ऐसे पेस्ट कर देंगे। ऐसे ही हम दूसरी पट्टी तैयार करेंगे, इतनी ये सूख जाएगी। देखो अब जो एक्स्ट्रा है हम उसकी ऐसे कटिंग कर देंगे। ऐसे ही हम दूसरी वाली की भी फिनिशिंग करेंगे। देखो अब हम इस पट्टी पे ऐसे थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे और इसको ऐसे पेस्ट कर देंगे इस तरह। अब हम इसको यहां से बीच में ऐसे लगाएंगे। ऐसे ग्लू लगाने के बाद हम इसको यहां पे बीच में लगा देंगे। अब हम इसको ग्लू लगा के यहाँ पे लगा देंगे किनारे पर इस तरह। अब इधर से ग्लू लगाएंगे।
और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देखो फिर हम इस चोली को ऐसे सीधी तरफ ले आएंगे, इस तरह। देखिए ये सनफ्लावर स्टाइल में हमारे कान्हा जी की सुंदर सी ड्रेस बनके तैयार हो गई है। ये आप कितने भी छोटे और कितने भी बड़े कान्हा जी के लिए बना सकते हो, और ये बनाने में भी बहुत इजी है और देखने में देखो कितनी सुंदर लग रही है। और इसको आप जैसे मैंने स्कूबा और इस वाली लेस से बनाया है, ये लेस तो आपको ब्राउन कलर की कोई भी मिल जाएगी मार्केट में, और अगर आपको स्कूबा नहीं मिलता तो आप इसको नेट से भी बना सकते हो या किसी और फैब्रिक से बना सकते हो जिसके धागे ना निकले। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिए, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।